नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर, जिस पर आपको एकदम स्टिक जानकारी हर बार उपलब्ध कराई जाती है। तो आप सभी को पता है कि आज 37 नंबर कोर्स की स्थापना और उसकी सुनवाई पूरी हो गई है। तो हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भी आप पुलिस विभाग को कि आप आदेश ये अपना परिणाम है वो जारी करो। तो देखिए जल्द से जल्द अपना परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो जो खुशखबरी है वो देखिए, क्योंकि जो अपने ये जो मैं लेके आया हूँ खुशखबरी, ये जो अपने कोर्ट के बाहर जो अपने साथी थे उन्होंने ये वीडियो अपलोड की है वो देखिए आप। देखो, जैसा कि सभी भाइयों को पता है भाई, आज अपने कोर्ट नंबर 3 में केस नंबर 37 पर सुनवाई थी और अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई है। पॉजिटिव न्यूज़ जैसे कि हालांकि देखो कोर्ट का विस्तृत फैसला शाम तक अपलोड होगा और अभी वकील साहब हमें जो फैसले की जो PDF वो भेजेंगे थोड़ी देर में, तो वो तो विस्तृत डिटेल तब दे पाएंगे। बाकी छोटे शब्द में कहूँ तो आज जो 24 फरवरी को जो आदेश निकला था ना, राज्य स्तर मेरिट वाला, राज्य स्तर मेरिट वाला SP शर्मा का एक एलिट का, तो उस पर आज कोर्ट ने दिया है वो लागू नहीं रहा। तो मतलब पहले जो यथाई स्थिति थी ना, पहले जो पुलिस विभाग जिस पद्धति से हमें रिजल्ट जारी करता है वो वापस कर सकता है इस चीज़ के लिए। और जैसे कि हमने यहाँ पर मतलब डिपार्टमेंट के अधिकारियों से वकीलों से उनसे बात की, तो हमें मतलब उन्होंने ये कहा है कि आज अगर स्टे हो जाता है तो 1-2 दिन में रिजल्ट पक्का आ जाएगा, इसमें कोई वो दोहरा ही नहीं है। तो सभी भाई से निवेदन है कि अपनी दौड़ की तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलने वाला, 10 दिन के अंदर फिजिकल हो जाएंगे देख लेना। इसलिए सभी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, फैसला अपने हक में आएगा, इस चीज़ में कोई नहीं है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जिलेवार मेरिट के रिजल्ट बस तैयार करके बैठा है, केवल थी तो उसको केवल हाईकोर्ट के फैसले की थी, तो आज 24 फरवरी को जो मतलब हाईकोर्ट ने जो दिया था उसको इससे दे दिया। और अब यथास्थिति है पहले जैसे, मतलब कोर्ट मतलब पुलिस विभाग स्वतंत्र है, वो पहले जैसे प्रक्रिया जारी कर सकता है।